सर टीटी की परीक्षा होने वाली है आगामी 18 तारीख को, उसके सापेक्ष आप लोगों की क्या तैयारी है और किस तरह से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? परीक्षा शासन के मंशानुसार निष्पक्ष नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी, कहीं से कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमने सारे केंद्र व्यवस्थापकों की आज बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई है। सारे केंद्र व्यवस्थापक, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो केंद्र पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सबकी आज बैठक संपन्न हो गई है और पूरे विस्तृत निर्देश हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए जा चुके हैं कि कोई भी परीक्षा केंद्र पर कहीं से भी कोई नकल विहीन परीक्षा नहीं होगी। सारे लोगों पर संसाधन जुटा लिए हैं, सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शंका नहीं रहेगी। और निष्पक्ष सर कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं और कितने केंद्रों पर परीक्षा आयोजित किया जा रहा है? तो हमारे जिले में प्रथम पाली में जो है प्राथमिक स्तर के 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3630 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। और द्वितीय पाली में हमारे 4 सेंटर बने हुए हैं, जो 2270 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हर परीक्षा केंद्र पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं, एक एक हर सेंटर पर प्रथम पाली के लिए अलग, द्वितीय पाली के लिए अलग नामित किए गए हैं। और हमारे तरफ से एक जो पर्यवेक्षक प्रत्येक सेंटर पर निर्धारित किया गया, 2 लोग वहाँ परमानेंट रहेंगे। 3 सचल दल का गठन किया गया है। उसके साथ साथ हमारे सचल दल में हमारे द्वारा सचल दल पर चलेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक, डाइट प्राचार्य और हमारे प्रशासन की तरफ एडीएम साहब को पूरी परीक्षा को मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी ने नामित किया है, वो लोग प्रशासन की तरफ से भी वहाँ लोग रहेंगे। और एसपी साहब के द्वारा हमारे पुलिस बल की व्यवस्था हर सेंटरों पर की गई है, तो परीक्षा हर जगह नकल विहीन कराने की पूरी कोशिश।